खमा गणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तंजा राठौड़ है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो जो आज का वीडियो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि 2022 में कौन कौन सी राजपूती पोशाक अगर ट्रेंड में रहेंगी। सो वो वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं और उसको मुझे बहुत मैसेज मिले हैं कि आप मुझे एक सेपरेट वीडियो बना के दीजिए कि आपने वो पोशाक कितने में खरीदी और कहाँ से खरीदी। तो बहुत दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना दूं कि मैंने पोशाकें कहाँ से खरीदी और कितने कितने रुपए में खरीदी। जो मेरे पास पोशाकें आपको दिख रही है वो ये रही सारी, कुछ मैंने सिलवा ली हैं और कुछ अभी तक स्टिच नहीं करवाई हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज हो रखी है। अभी फिलहाल मेरे पास बहुत सारी पोशाकें हैं जो इनको नंबर ही नहीं आ रहा है पहनने के लिए। तो जब मैं सबको पहन लूँगी उसके बाद मैं स्टिच कराऊँगी नई पोशाकें। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी पोशाकें कितने रुपए में ली, और लास्ट में ये बताऊंगी कि मैंने कहाँ से खरीदी और आपको कहाँ से पोशाकें खरीदनी चाहिए जो आपको रीजनेबल प्राइस में पड़ेंगी। जो पहली पोशाक मैंने आपको दिखाई थी वो है ये वाली। सो इसमें ग्रे कलर का पूरा सूट है और इसकी रानी कलर की ओढ़नी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका कलर कॉम्बिनेशन। और ये वाली जो पोशाक है वो 5,500 रुपये में बोली थी विथ सिलाई। सो ये पोशाक नहीं होती है, इस तरीके को सूट बोलते हैं प्रॉपर। सो ये सूट जो है राजपूती सूट है, हैवी सूट्स होते हैं ये। सो ये 5,500 रुपये बोले थे विथ सिलाई। देखिए सिलाई का क्या है, 750-800 रुपये दुकान वाले सिलाई लेते हैं, क्योंकि इनमें अस्तर भी लगता है और टेलर 400-500 रुपये तो आजकल नॉर्मल जो सूट होते हैं विदाउट अस्तर के उनके ले लेता है। सो ये वाली जो सूट है 5,500 रुपये सिलाई बोले थे। मैंने सिलाई नहीं करवाई थी तो मुझे पड़ा था ये 4,500 रुपये का विदाउट सिलाई। अगर मैं सिलाई करवाऊँगी तो 700-800 रुपये मुझे किसी और टेलर को देने पड़ेंगे, लेकिन ये 4,500 रुपये में मैंने लिया था विदाउट सिलाई। अगर आप सिलाई कराएंगे तो आपको 5,500-5,200-5,300 पड़ेगा। देखिए कपड़े का फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो डिज़ाइन है, जैसे मान लीजिए क्रेप का कपड़ा है, लेकिन क्रेप के कपड़े में डिज़ाइन अलग अलग होती है। अगर ये पूरा बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होगा इसके अंदर तो उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, 1,500 ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ये वाली जो पर्टिकुलर पोशाक है इसकी बता रही हूँ मैं, 4,500 रुपये की मैंने उस वक्त खरीदी थी। जो मैंने उस वाले वीडियो में बताए थे वो पर्टिकुलर सूट की जो सीरियल है वो थोड़ा वो इधर हो सकता है, हो सकता है मैंने आपको पहले नंबर पे कुछ और सूट दिखाया हो, सेकंड नंबर पे कुछ और दिखाया और यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो सकता है। बट आप प्राइस देखिए और देखिए कि मैं कौन कौन से सूट आपको दिखा रही हूँ। सेकेंड है ये वाला, इसको मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं। तो ये सी ग्रीन कलर का मेरा सूट है, राजपूती पोशाक टाइप होती है ये, और ये इसका ओढ़ना है। लाइट पिंक कलर है, उस वाले में डार्क पिंक था और ये लाइट पिंक है, और इस पर भी पूरे में वर्क हो रखा है। और ये वाला जो वर्क है बहुत बारीक है और बहुत अच्छा वर्क है, अटकेगा नहीं। मतलब अगर आप इस पर कोई दूसरा सूट रख देंगे तो ऐसा काम नहीं है इसका। इसका बहुत प्यारा वर्क है, एलिगेंट सा वर्क है कि निकलेगा नहीं, इसलिए इसका जो प्राइस है थोड़ा सा महंगा है, 300 रुपये ज़्यादा लिए हैं उसने मुझसे। तो ये है 4,800 रुपये की। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि प्राइस फर्क पड़ जाता है, थोड़ा बहुत भी काम अलग इधर उधर होगा तो उस कपड़े की उस ड्रेस की प्राइस में थोड़ा अंतर आ ही जाता है। तो 300 रुपये थोड़ी महंगी थी, तो 4,800 रुपये में मुझे ये वाली पोशाक पड़ी थी, और अभी भी शायद यही प्राइस रेंज है, ज़्यादा ऊपर नीचे कभी होता नहीं है। 100-200 रुपये मान सकते हैं, हो सकता है कई दुकानों पे, जैसे मैंने 4,800 में खरीदी थी, तो हो सकता है कई दुकान में 4,400 में मिल जाए, 300 में मिल जाए। तो दुकान दुकान का फ़र्क भी होता है, 200-300 रुपये आप कम नीचे ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4,500 रुपये में ये वाली पोशाक मिल जाएगी मार्केट में। तो आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदी। आप उस जगह जाके मार्केट में ख़रीद सकते हैं सारी पोशाक इस पैटर्न में, इससे भी अच्छी अच्छी पैटर्न में जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगी तो आपको दिख ही जाएगा कि बहुत सारी तरीके की पोशाक आप लोगों को दिखाई जाती है कि ये वाली डिज़ाइन से, हज़ारों डिज़ाइन से, हज़ारों तरह के कपड़े हैं, हज़ारों तरह के कलर हैं। सो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो थर्ड पार्ट बातें थोड़ी कम करते हैं और थर्ड दिखाती हूँ आपको पोशाक, और ये है थर्ड रामा कलर की पोशाक। और ये वाली पोशाक मेरी फेवरेट है और मेरा फेवरेट कलर है, और ये कलर मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। सो और क्योंकि ये वाला जो कलर है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी कहा था
कि चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, हमेशा ऐसे चलेगा। सो मेरे जीजा का भी नांगल हुआ था तो उनके पियर की तरफ से भी उनको ऐसी पोशाक मिली थी कलर की, ये उनकी चॉइस थी। तो ये वाला कलर है बहुत ट्रेंड में चलता है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में भी ये वाला कलर बहुत ज़्यादा चलेगा। ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, दिस इज रामा कलर और ये बिल्कुल प्योर की पोशाक है। ये देखिए आप, ये पूरा लहंगा है, ये कुर्ती कहाँ से अच्छे से समेट रखा है, इसको खोल नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कहाँ से मैंने खरीदी और कितनी प्राइस रेंज में है। तो देखिए ये जो प्योर की पोशाक होती है, इसका ओनर भी प्योर का है, पूरे पे वर्क है। और ये वाली जो पोशाक है मुझे बोली थी 8,000 रुपये में, सो 8,000 की थोड़ी बार्गेनिंग की तो मुझे पड़ी ये 7,300 की। मैंने बार्गेनिंग खूब की, मेरे साथ में मेरे मम्मी भी थी और भी जने थे, सो उनके साथ में गई थी और बार्गेनिंग करने पे ये आपको 7,300 में और कई दुकान 7,500 में, मतलब 7,500 से ज़्यादा की पोशाक ये नहीं आती है। सिलाई अलग से आपको करानी पड़ेगी बट दिस इज़ द पोशाक। अगर दुकान वाले को आप ये कहेंगे कि हमको सिलाई नहीं करवानी है सो आपके वो ऑटोमेटिकली 1,000 रुपये या 800 रुपये जो भी उनकी प्राइस होगी उस वक्त दुकान पे टेलर की, वो अपने आप ही कम कर देंगे। वो उस बात में बहस नहीं करते हैं कि आपको सिलाई करवानी है कि नहीं करवानी, ये आपके ऊपर होता है कि आप किसी और टेलर को पसंद करते हैं सो आप वहाँ से भी सिलाई करा सकते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड पोशाक जो है 7,300 रुपये की मैंने उस वक्त ली थी। सो नेक्स्ट ड्रेस जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली पेंटिंग वाली थी, ये देखिए इस पर प्रिंट लगा बना हुआ है, ये पेंटिंग जैसे छापे होते हैं उस टाइप का है। ये दो शेड में है, शायद इसमें दिख नहीं रही होगी, तो दो शेड में और ये पहनने के बाद में जैसे लुक सो गुड, सो इसमें बहुत ज़्यादा क्लासी लुक आता है। तो दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। और ये वाली जो पोशाक ड्रेस है वो मेरे को मम्मी ने ला के दी थी मेरी शादी के टाइम, उन्होंने मेरे लिए सिलवाई थी। तो ये वाली जो पोशाक है और ये ड्रेस है वो पड़ी थी 3,500 की, ये ज़्यादा महंगी नहीं है बट इसमें भी प्योर की ओढ़नी है पूरी और ये इतनी सुंदर है। ये मतलब ये वाले जो ऐसे कलर होते हैं लाइट पोशाक हो जाती है जो आप हर फंक्शन में पहन सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। सो ये 3,500 रुपये की खरीदी थी मैंने और हो सकता है मैं अगेन दोबारा आपको कहती हूँ कि 100-200 रुपये का आप लेके चलिए कि ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं मुझे के भी कहेंगे कि ये तो हमने 3,000 में खरीद ली या 3,3200 में खरीद ली, तो आपने खरीदी होगी ये अच्छी बात है क्योंकि दुकान दुकान का फ़र्क पड़ता है, बार्गेनिंग स्किल का फ़र्क पड़ जाता है। और हो सकता है कि पोशाक 3,000 की हो, दुकान वाले 3,500 क्योंकि वो सब प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। तो मुझे ये पोशाक 3,500 रुपये में पड़ी थी और क्योंकि मेरी मम्मी लाई इसलिए मुझे इसकी रेट अच्छे से पता है कि 3,500 रुपये की ये पोशाक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पोशाक जो मैं रेट बताने वाली हूँ वो है ये वाली जो मैंने पहन रखी है। तो ये वाली जो पोशाक है मैंने आपको उस दिन वीडियो में दिखाई थी लेकिन आज मैंने इसको पहन रखा है क्योंकि ये भी मेरी मुझे मेरी सारे कपड़े अच्छे लगते हैं इसलिए मैं कहती रहती हूँ दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। सो दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। और ये वाली जो पोशाक है पारचे की ड्रेस है और इसके ऊपर प्योर का ओढ़ना है, पारचे का बॉर्डर है इसके ऊपर। सो ये वाली जो ड्रेस है वो मुझे पड़ी थी 3,000 ओनली क्योंकि इसका पारचा तो सस्ता आता है, सस्ता मीन्स 300-400 रुपये मीटर, बट जो इसका ओढ़ना है प्योर का तो ये प्योर का ओढ़ना ही जो प्लेन आप ओढ़ना लेते हैं वो 1,100 रुपये का पड़ता है विदाउट एनी वर्क, केवल उस पर गोटा किरण कुछ भी लगी हुई नहीं रहती है। और ये इस पर सब कुछ तैयार था, गोटा किरण ये सब कुछ तैयार था, बस मैंने इसको स्टिच करवाया है। और इसका जो लहंगा है वो उसके जो काम है वो कलियाँ है वो भी बनी हुई थी, केवल लहंगा स्टिच कराया गया और जो इसका बॉर्डर था वो सब कुछ लगा हुआ था, केवल इसके ऊपर जो नेफा होता है जिसको बोलते हैं जिसमें आप नारा डालते हैं वो मैंने लगवाया था टेलर से और कुर्ती कांची सिलवाई थी, बाकी सब कुछ तैयार था। तो 3,000 रुपये में मैंने ये ड्रेस खरीदी थी और आई थिंक ये बहुत अच्छी लगती है। आजकल इस टाइप में बनारसी ड्रेस भी आ रही हैं तो वो भी ऐसी तरीके की लगती है बनारसी, बस ये कपड़ा पारचे की जगह बनारसी होता है। सो लुक एट द लवली ड्रेस, आपने देख ही ली होगी पहले कई वीडियो में मैं इसको पहन चुकी हूँ और ट्यूटोरियल बना चुकी हूँ। सो नेक्स्ट ड्रेस जिसकी प्राइस आपको बताने वाली हूँ, ये वाली जो ड्रेस है उस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं थी बट मैंने एक वीडियो अपलोड किया थोड़े दिन पहले तो उस पर मुझे पूछा था कि आपने पोशाक कहाँ से खरीदी, ये अच्छी लग रही है। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको भी इंक्लूड कर दूँ इस वाले वीडियो में। सो ये वाली जो ड्रेस है ये है ब्लू कलर की, ये पूरी ब्लू कलर की ड्रेस है, इसमें मुकेश का वर्क हो रखा है, बहुत ही एलिगेंट सा वर्क है, अटकने वाला काम नहीं है, अच्छा है, लाइट सी ड्रेस है ये। और इसकी जो ओढ़नी है वो प्योर की ओढ़नी है, थोड़ा लहरिए का थोड़ी पट्टियाँ बनी हुई हैं कॉर्नर्स में,
सो ये वाली ड्रेस है, ये मुझे पड़ी थी 3,000 रुपये में, और इसकी जो ओढ़नी है उसमें गोटा ग्रहण सब कुछ रेडी था, और सिर्फ इसको मैंने स्टिच करवाया है मेरे नाप के हिसाब से, मेरी साइज़ के हिसाब से मैंने इसको स्टिच करवाया है, और ये मुझे पड़ी थी 3,000 रुपये में। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्राइस। सो एक और पोशाक की बात कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने येलो कलर की पोशाक पहनी थी, जो पूरी सेटिन की पोशाक है उस पर बहुत सारा वर्क हो रखा है, हैवी वर्क है, और उसकी जो ओढ़नी है प्योर की है, और उसके ऊपर भी हैवी वर्क है, पूरे में जाल है, और बॉर्डर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वो वाली पोशाक भी मैंने झोटवाड़ा खातीपुरा से खरीदी थी, और उसकी प्राइस थी, रजवाड़ा परिधान से मैंने खरीदी थी, तब उसकी प्राइस अप्रॉक्स 18,500 पड़ी थी, क्योंकि वो उसने बोला था 22,000 रुपये, थोड़ा बहुत कम करवाया, बार्गेनिंग करवाई, तो 18,500 में मुझे पड़ी थी। सिलाई भी करवाई थी मैंने उस वक्त, और वो वाली पोशाक बहुत सुंदर लगती है, बहुत हैवी पोशाकों में वो पोशाक आती है। दैट्स ऑल अबाउट द प्राइजेस। और अब आपको बताती हूँ कि ये आपको कहाँ से ख़रीदनी चाहिए। सो देखिए, मैं जो वीडियो बनाती हूँ और जो मेरा होम टाउन है वो है जयपुर। सो मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। जो मार्केट है वो है जयपुर में झोटवाड़ा खातीपुरा, क्योंकि खातीपुरा एक जयपुर में और भी पड़ता है। सो जिस खातीपुरा की मैं बात कर रही हूँ वो है झोटवाड़ा वाला खातीपुरा मार्केट। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाएंगी, और मुझे ज़रूर बताइए जब भी आप जयपुर आएँ, मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कौन कौन सी पोशाक ली, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो आप इस वाले खातीपुरा मार्केट में पर्टिकुलरली राजपूतों के लिए बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। यहाँ पर आप तरह तरह के कपड़े खरीद सकते हैं, डिज़ाइंस हैं बहुत सारे तरीके, मतलब कॉटन प्योर, हाफ प्योर, क्रैप है, सेटिन है, जो भी आप चाहें वो खरीद सकते हैं। तो डेली वेयर के लिए पोशाक, शादी पार्टी के लिए, शादियों के लिए, जैसे भी आप चाहते हैं वैसे ड्रेसेस आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये पूरा मार्केट ही राजपूतों के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सारी दुकानें हैं, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो बहुत, जैसे युवती परिधान है, युवती फैशन है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको ड्रेस डिज़ाइंस मिल जाएंगे, और बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने जो ड्रेसेस खरीदे वो हैं जगदम्बा परिधान से। तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये जो मैंने शुरू से मैं आपको क्रैप के सूट दिखाए थे एक दो, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो ये वाले जो सूट दिखाए थे मैंने आपको दो, तो ये मैंने खरीदे थे जगदम्बा परिधान से, जो खातीपुरा मार्केट में ही आता है। और जो मैंने आपको एक प्योर की जो ड्रेस दिखाई थी वो मैंने खरीदी थी रजवाड़ा वाले से। तो रजवाड़ा परिधान एक परिधान है, परिधान मतलब एक शॉप का नाम है रजवाड़ा परिधान, तो वहाँ से मैंने खरीदी थी ये वाली ड्रेसेस। और मेरी जो शादी की ड्रेस है वो भी रजवाड़ा परिधान से खरीदी हुई है। तो आपकी शादी की ड्रेस जो आपने मेरे कई वीडियोस में देखी होगी, करवा चौथ वाले व्लॉग में, या फिर मैंने इसको पहना था गणगौर में भी पहना था, सो वो वाले जो ड्रेस है वो भी मैंने रजवाड़ा परिधान से खरीदी थी। सो आप और दुकान भी देख सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह है तो खातीपुरा में आप बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। जब भी आप जयपुर आएँ, अगर आप जयपुर के, सबको पता होगा, अगर जयपुर के नहीं हैं, जयपुर आएँ तो ज़रूर इस मार्केट को विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको हर तरह की डिज़ाइन मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड कीप मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग, बाय शेयरिंग माई वीडियो, एंड बाय, लव यू ऑल एंड खमा गणी टू ऑल, सी यू।